फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में लग गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो है संज्ञानात्मक विकास पर, वाइगोत्स्की की थ्योरी पर, कि वाइगोत्स्की क्या बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की जो हैं वो रशिया के रहने वाले थे, रशिया के मनोवैज्ञानिक थे। उनका जो जन्म हुआ था वो 1896 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1934 में हुई थी। इनका जीवन काल बहुत छोटा रहा, लेकिन इतने से छोटे टाइम में भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जिसमें से इनका जो पहला है, इन्होंने जो इम्पॉर्टेंट बुक लिखी, वो बुक आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये बुक आपको कई एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे और मिलेगा। बुक का नाम है थॉट एंड लैंग्वेज। इसको हिंदी और इंग्लिश में सेम ही बोलेंगे, थॉट एंड लैंग्वेज। इन्होंने जो बात की थी वो सोशल एंड लैंग्वेज पर बात की थी, समाज और भाषा पर, जिसको मिलाकर इन्होंने सोशल कल्चर थ्योरी दिया था। वो उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है वो भाषा समाज में सीखता है और समाज में जो भाषा बोली जाती है, जैसा परिवेश होता है उसके हिसाब से, उसी के अनुसार बच्चा ढल जाता है और वो ग्रहण करता है। इसलिए इनकी जो थ्योरी का नाम है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, जिसको हम सोशल कल्चर थ्योरी कहते हैं। इनका जो कहना था, इन्होंने कहा कि LAD, कई बार आपको पेपर में मिल जाएगा LAD के फुल फॉर्म, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब इन्होंने बात की कि जो बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट स्तर है वहाँ तक बच्चे को पहुँचाना या पहुँचना किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा। तो इसलिए इसका जो LAD का फुल फॉर्म है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा बिना किसी मदद के कोई काम करता है और अपने वास्तविक स्तर तक पहुँचता है, उसे हम कहते हैं LAD। उसके बाद है कि LPD, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। मतलब बच्चा में जितनी पोटेंशियल है लेकिन बच्चा वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, उसमें अगर किसी टीचर्स की या फिर किसी नॉन पर्सन की या किसी की भी हेल्प मिल जाती है उसके वास्तविक स्तर तक पहुँचने के लिए, तो वो कहलाता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, जिसे हम संभाव्य विकास का स्तर कहते हैं। मतलब मीनिंगफुल चीज़ों के सार्थक में, मतलब जो बच्चा सीख रहा है उसमें हेल्प मिल जाती है किसकी, टीचर की। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा अगर LAD पर है और वो पहुंचना चाहता है यहाँ पर, और बच्चा यहाँ से JPD, जो उसका जोन पोटेंशियल समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है, मतलब बच्चा यहाँ है उसको यहाँ पहुंचना है, तो यहाँ पे उसको किसकी मदद मिलेगी, MKO की। तो ये कहलाता है आपका JPD, तो जोन पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब JPD में दो तरीके की चीज़ है, जैसे हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जो कि अपने संभाव्य विकास स्तर तक पहुंचना चाहता है और उसकी हेल्प कौन कर रहा है, MKO, मोर देन नॉलेज, जो उससे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, वो कोई पर्सन उसकी हेल्प कर रहे हैं। वो पर्सन उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, या कोई मित्र हो सकता है, या बड़ा भाई बड़ी बहन, कोई भी हो सकता है। तो कई बार आ जाता है कि जो हेल्प बच्चों को मिलती है वो हेल्प कहलाती है पार या ढांचा, जिसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो जैसे आप मान लीजिए बच्चा ये यहाँ पर JPD यहाँ पे जोन पोटेंशियल डेवलपमेंट है और यहाँ तक बच्चे को पहुँचना है। बच्चा अगर यहाँ पर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चे को जिस पर्सन की हेल्प मिल रही है, जिसकी उसको मदद मिल रही है, तो वो पर्सन कहलाएगा MKO और वो एरिया कहलाएगा स्कैफोल्डिंग पार, जिसे यहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। तो मदद किया गया एरिया स्कैफोल्डिंग पार कहते हैं। सबसे पहले इसकी बात ब्रूनर ने की थी, लेकिन इसको, इस थ्योरी को जो दिया था वो दिया था वाइगोत्स्की जी ने। वाइगोत्स्की जी बात करते हैं प्राइवेट स्पीच के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि जिन प्याजे जी जो हैं वो बात करते हैं, ईगो सेंट्रिक के बारे में, कि बच्चा अहम केंद्रित होता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स को या लिविंग थिंग्स को, अपनी चीज़ को वो अपना कहता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, वो बहुत प्रोटेक्टिव होता है। और प्राइवेट स्पीच में बच्चा आंतरिक वाचक होता है, जो उसके दिमाग में, उसके मन में, उसके दिल में जो बातें चल रही होती है वो अंदर अंदर खुद से बातें करता रहता है। तो खुद से बात करता है उसे इनर स्पीच या फिर प्राइवेट स्पीच भी कहा जाता है। तो ये वाइगोत्स्की जी की थ्योरी थी, ये छोटी सी थ्योरी थी जिसमें उन्होंने बात की JPD के बारे में। JPD हमारा जो, पहले तो उन्होंने बात की LAD के बारे में, LAD हमारा लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है। फिर उन्होंने बात की JPD के बारे में, JPD हमारा
जेपीडी हमारा जून पोटेंशियल डेवलपमेंट है, फिर उन्होंने एलपीडी के बारे में की, जहाँ पे बच्चा पहुँचने के लिए संभावित विकास जहाँ तक वो पहुँच सकता है उसकी बात की, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जिसकी उसे हेल्प मिली, वो हेल्प टीचर्स की भी हो सकती है, पेरेंट्स की भी, किसी की भी, उस हेल्प को कहा गया, उस हेल्प देने वाले को कहा गया MKO, मोर नॉलेजेबल पर्सन, और उस क्या कहते हैं, और आपकी जो उस एरिया को जहाँ पे उसको हेल्प दी गई, जैसे मैंने आपको बताया जिस एरिया पे बच्चे को हेल्प दी गई उसे कहा जाता है स्कैफ फोल्डिंग। तो आपको एग्ज़ाम में स्कैप फोल्डिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है देखने को, कि जो बच्चे को जिस एरिया पे मदद मिली अपने टीचर्स की या अपने गार्जियन की, उस एरिया को क्या कहा जाता है, तो उस एरिया को पार या ढांचा कहा जाता है। जिसके द्वारा बच्चे को मदद दी गई उसे MKO कहा जाता है। जहाँ से बच्चे को, जहाँ पे बच्चा था और उसको जिस स्तर पे पहुँचाना था उसको LPD कहा जाता है, और जहाँ बच्चा था उसे कहा जाता है JPD। तो ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था, इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि थॉट एंड लैंग्वेज किसकी बुक है, किसने इसको लिखी, या इसके मनोवैज्ञानिक कौन है। तो इसके मनोवैज्ञानिक हैं आपके लाइव वाइगोत्स्की। सोशल कल्चर थ्योरी के जनक कौन माने जाते हैं, तो वो आपके माने जाते हैं लाइव वाइगोत्स्की। सोशल कल्चर थ्योरी में किसकी बात की जाती है, तो समाज और भाषा, मतलब बच्चा जो है वो समाज में रह कर भाषा सीखता है, वो सीखता नहीं है, वो अपने आप बच्चे को आती जाती है, वो ग्रहण कर लेता है। फिर LAD, जैसे हमने बात की लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद LPD लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद JPD जोन पोटेंशियल डेवलपमेंट, और उसके बाद MKO मोर देन नॉलेजेबल पर्सन, एंड उसके बाद हमने बात की आपकी स्कैफ फोल्डिंग के बारे में। स्कैफ फोल्डिंग आपका हो गया पार और ढांचा। इस थ्योरी को अगर कई बार आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि इसको सबसे पहले किसने दिया था, तो इसको ब्रूनर ने दिया था, लेकिन आज जो हम पढ़ते हैं वो वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्पीच कई बार आ जाता है कि ईगोसेंट्रिक और प्राइवेट स्पीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ईगोसेंट्रिक की बात कौन करते हैं, ईगोसेंट्रिक की बात जिन प्याजे करते हैं, और प्राइवेट स्पीच या फिर इसे इनर स्पीच भी कहा जाता है, इसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, इस टॉपिक से आपको 1, 2, फिर आपके बाद स्कैफ फोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच, 5-6 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। इस 5-6 में से आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो हर बार बनते ही बनते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा, इससे आपको एक क्वेश्चन तो आपका कन्फर्म है। ये छोटा सा टॉपिक है जिससे अगर आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है और आप पेपर में एक क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं, जो कि आपका 8 से 10 मिनट का एक टॉपिक है, जो कि 8-10 मिनट में ये टॉपिक कवर हो जाता है, तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।